तो बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। तो व्हाई डिशवॉशर चाहिए ही क्यों? तो ये हैं कुछ फ़ायदे डिशवॉशर के, जिसमें आपको पहला बेनिफिट मिलता है हाइजीन वॉश का। डिशवॉशर के अंदर आपको जो भी वॉशिंग मिलती है वो 70 डिग्री हॉट वाटर के अंदर मिलती है। तो 70 डिग्री हॉट वाटर के अंदर भी जितना भी जर्म्स और बैक्टीरिया लाइक इकोली, सलामोनिला, कोलाबैक्टा, इस तरह के जितने भी बैक्टीरिया हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में, ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है। तो 99.99% इसमें आपको जर्म्स एंड बैक्टीरिया क्लीन हो जाता है। वहीं पर बात करता हूँ अगर मैं हैंड वॉश की, तो हैंड वॉश के अंदर हम लोग जो स्क्रबर, जो स्पॉन्ज हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर पाया जाता है। आप उसको कितना भी वॉश कर ले बट बैक्टीरिया उसके अंदर से ख़त्म नहीं होता, और वही बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है हमारे यूटेंसिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर। देन बात करते हैं इसके सेकंड बेनिफिट की। तो ड्राई एंड रेडी टू यूज़ यूटेंसिल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। डिशवॉशर में धुलने के बाद जो बर्तन आपको मिलते हैं वो 100% नीट एंड क्लीन ड्राइंग मिलते हैं। तो मैनुअल ड्राइंग की या मैनुअल वाइपिंग की आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप डिशवॉशर से बर्तन निकाल के आप सर्व करके इसे यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज की। तो सेव टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस का। तो बर्तन धोने में जो भी आपका टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और बर्तन धोने की जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस है वो भी आपकी रिलीज हो जाती है। देन हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, सेव वाटर अप टू 80%। 80% आप वाटर सेव कर सकते हैं अगर आप डिशवॉशर को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। डिशवॉशर के अंदर जो भी आपको वॉशिंग मिलती है वो 9.5 लीटर ऑफ वाटर में मिलती है। अगर आप उतने बर्तन धोने के लिए अगर आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर पानी आप यूज़ कर देते हैं। देन हम बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। तो केयर फॉर योर एक्सपेंसिव क्रॉकरी। जी हाँ, जितना भी आपका एक्सपेंसिव और फेवरेट क्रॉकरी होता है जो हैंड वॉशिंग से जिसका शाइन ख़राब होता है या वो डैमेज हो जाता है, अगर डिशवॉशर के अंदर आप उसको वॉश करेंगे तो उसका शाइन भी मेंटेन रहेगा, उसका लाइफ भी मेंटेन रहेगा। देन बात करते हैं इसके सिक्स पॉइंट की। तो मिनिमल मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड। जी हाँ, बर्तन धोने में जो भी आपका फिजिकल एफर्ट लगता है, जो दाग धब्बे निकालने के लिए जो आपको बिल्कुल उन्हें घिसना पड़ता है, वो सब चीज़ें आपका नहीं रहेगा अगर आपके पास डिशवॉशर होगा। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्लेस सेटिंग। तो 1% जो मील कंज्यूम करने में जितने यूटेंसिल वो यूज़ करता है उसे हम कहते हैं 1 प्लेस सेटिंग। और डिशवॉशर जो मार्केट में आपको मिलेगा 13, 14 और 15 प्लेस सेटिंग के साथ मिलते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या डिशवॉशर इंडियन गंदे बर्तनों को भी साफ कर सकता है? जी हाँ, FDCD लैब में जो टेस्ट किया गया था उस टेस्ट में देखा गया कि डिशवॉशर के अंदर इनफ स्पेस होता है आपकी जितने भी हैवीली सॉइल्ड डिशेज होते हैं, कुकर, कढ़ाई, पॉट्स, पैन, वो सब उसके अंदर ईजिली आ जाता है। और जो हाई टेम्परेचर में जो उसमें वॉशिंग होता है, उस वॉशिंग के अंदर आपकी जितनी भी ऑयली और ग्रीसी जितने भी आपका यूटेंसिल होता है वो सब प्रॉपर तरीके से क्लीन होता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कैसा आप कुकिंग स्टाइल आप यूज़ करते हो अपने घर में, कितना ऑयली और कितना ग्रीसी आप यूटेंसिल आप यूज़ करते हो, सब डिशवॉशर के अंदर वो इजीली क्लीन हो जाता है। देन हम बात करते हैं इसकी फोर्थ क्वेश्चन की। तो क्या मेरी मेड या मैं इस डिशवॉशर को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जी हाँ, डिशवॉशर को यूज़ करना एज सिंपल है जैसे वॉशिंग मशीन को यूज़ करना है। आप आज तक अपने घरों में जैसे वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहे हैं ऐसे ही आप डिशवॉशर को भी यूज़ कर सकते हो। जो भी उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं सिर्फ आपने प्रोग्राम को चूज़ करके आपने स्टार्ट का बटन दबाना है, तो बाकी सारा काम आपका डिशवॉशर खुद करेगा। देन हम बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की। तो डिशवॉशर में यूज़ होने वाले जो भी एडिटिव्स आते हैं क्या वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक डिशवॉशर सॉल्ट, डिटर्जेंट, रिंसेड? जी नहीं, अगर मैं इन तीनों चीज़ों का कॉस्ट अगर मैं निकालूं पर यूज़ के हिसाब से, तो अप्रॉक्सीमेट 22.5 रुपये का खर्चा आपको एक वॉशिंग का आता है। मैं इस अपने एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। तो बात कर लेते हैं बॉस एडिटिव्स के बारे में। तो इसका जो डिटर्जेंट आता है वो 400 रुपये का आएगा आपको 1 kg का। पर वॉश में आपको 20 ग्राम यूज़ करना होगा और 50 साइकिल ये 1 kg आपका चलेगा। अगर मैं पर वॉश की कॉस्ट निकाले तो 8 रुपये का पर वॉश का आपको कॉस्ट पड़ता है। फिर हम बात करते हैं इसके रिंसेड की। रिंसेड आपका 250 रुपीज़ का आएगा, 400 ml का, 5 ml पर वॉश में यूज़ होता है। 80 वॉशेस आप इससे ले सकते हैं। अगर जो पर वॉश का मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ तो 3.1 रुपीज़ का इसका कॉस्ट निकल के आता है। फिर में हम बात करते हैं सॉल्ट की। 120 kg का MRP है इसका सॉल्ट का, 30 ग्राम पर वॉश में ये यूज़ होता है। टोटल नंबर ऑफ वॉश की बात करें तो 33, एंड पर वॉश की कॉस्ट की बात करें तो 3.6 रुपीज़ का पर कॉस्ट आता है इसका निकल के। फिर बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की। तो 6 रुपये अगर मैं पर यूनिट का एग्जांपल पकड़ूं, और आपने अगर प्रोग्राम चलाया है एक्सप्रेस स्पार्कल का जो कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 यूनिट आपका डिशवॉशर कंज्यूम करेगा। टोटल नंबर ऑफ वॉश आपका हो गया 1। तो इससे आपसे अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो 8 रुपये की आपने बिजली खर्च करी इस प्रोग्राम को यूज़ करने में। अब इसका टोटल आपका करेंगे तो 22.5, मतलब 22.5 रुपये का कॉस्ट आपका है अप्रॉक्सीमेटली आपका एक वॉशिंग साइकिल का। देन हम बात करते हैं इसके सिक्स क्वेश्चन की। तो क्या 9.5 से 12 लीटर का पानी सफिशेंट होता है डिशेज को प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए? जी हाँ,
जनरली जो डिशवाशर है वो 80-90% वाटर सेव करता है। बॉस है जीमेंस के डिशवाशर में आपको लोड सेंसर और एक्को सेंसर का फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से ये वाटर भी सेव करता है और आपको वॉशिंग क्वालिटी भी बेटर देता है। देन हम बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की, क्या डिशवाशर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करता है? जी नहीं। अगर इवन आपके यहाँ अगर 1 BHK अपार्टमेंट है, तो अगर आपका किचन वेल प्लान्ड है तो इनफ स्पेस आपके किचन में भी आपको डिशवाशर के लिए मिल जाता है। जो जनरली इशू आता है जो हाइट का आता है, जो ओरिजिनली बॉस एंड जीमेंस के डिशवाशर का जो हाइट आता है वो 845 mm का आता है, बट अगर आपके यहाँ हाइट का इशू है तो आप इसके ऊपर के काउंटर टॉप को निकाल के इसका हाइट भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो 820 mm का इसका हाइट रह जाता है, अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की, हाउ डज ए डिशवाशर वर्क, डिशवाशर काम कैसे करता है? डिशवाशर के अंदर आपको दो बास्केट देखने को मिलेगी, बॉटम बास्केट आपके बड़े यूटेंसिल्स के लिए, टॉप बास्केट आपके स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए। कटलरी के लिए आपको सेपरेट बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें सारा कटलरी आप उसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। बस आपको डिटर्जेंट डाल के डिशवाशर के अंदर प्रोग्राम चूज़ करना होता है, प्रोग्राम चूज़ करके आपका वॉशिंग साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। 2 स्प्रे आर्म इसके अंदर मिलते हैं, उस स्प्रे आर्म से आपका हॉट वाटर जो है यूटेंसिल्स के ऊपर स्प्रे होता है, और सबसे टॉप पे आपको शावर मिलता है, उस शावर से भी आपका शावर इफेक्ट यूटेंसिल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। वॉशिंग के बाद जितना भी वाटर होता है मशीन उसको ड्रेन आउट कर देती है, देन दोबारा से फ्रेश वाटर लेके मशीन फाइनल रिंस पे जाती है, देन फाइनल रिंस होने के बाद जो बचा हुआ वाटर है वो भी ड्रेन होकर देन आपका यूटेंसिल जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ मेनी यूटेंसिल्स कैन बी वॉश, डिशवाशर के अंदर हम लोग कितने बर्तन धो सकते हैं? अगर मैं बात करूँ डिशवाशर की प्लेस सेटिंग की, तो 13, 14, 15 तीन प्लेस सेटिंग के साथ डिशवाशर मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाता है। 13 प्लेस सेटिंग की अगर मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करूँ तो 80 पीसेस ऑफ डिनर सेट आप डिशवाशर के अंदर एक बारी में वॉश कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन यूटेंसिल्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 35-40 इंडियन यूटेंसिल्स, बट डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड वॉल्यूम, आप एक बारी में डिशवाशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है 13 प्लेट सेटिंग डिशवाशर का, जिसमें आप देख सकते हैं कढ़ाई, डिनर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, प्रेशर कुकर, मिल्क और कुकिंग पॉट, इस तरह के सारे यूटेंसिल्स जितने आप देख रहे हैं सब आपका एक बारी के अंदर डिशवाशर में वॉश हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कौन से ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो हम लोग डिशवाशर के अंदर वॉश नहीं कर सकते? तो ये है लिस्ट आपकी स्क्रीन पे, ये सारे यूटेंसिल्स हम लोग डिशवाशर के अंदर वॉश नहीं कर सकते। ये यूटेंसिल अगर आप डिशवाशर में डालते हैं उनका कलर फेड हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, या इनके थ्रू आप अदर बर्तनों को भी आप डैमेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बर्न यूटेंसिल्स की, वो बर्तन जो अंदर से जले हुए होते हैं उनको आपको थोड़ा सा मैन्युअली स्क्रब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिशवाशर में उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके डिज़ाइनर क्रॉकरी की, तो जितने भी आपकी डिज़ाइनर क्रॉकरी है उनको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा डिशवाशर के अंदर प्लेस करने से। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या डिशवाशर के अंदर प्रीरिंस करके ही बर्तन को डालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, डिशवाशर के अंदर आपको बर्तन जो डालेंगे उसको प्रीरिंस करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मील कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका जो बड़ा फूड पार्टिकल है वो सिर्फ आपने स्पून से हटाना है, जो भी आपकी प्लेट में बचा हुआ है। जो स्मॉल फूड पार्टिकल होता है वो इजीली स्क्रैच होकर वो आपका ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाता है, और जो बड़ा फूड पार्टिकल होता है वो इसके बॉटम वाले एरिया के जो अंदर फिल्टर लगा होता है उस फिल्टर में कलेक्ट हो जाता है, तो ड्रेन पाइप ब्लॉकेज होने का इसमें कोई डर नहीं होता, वहाँ से आप उस फिल्टर को क्लीन करके डिशवाशर को वॉश कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि क्या डिशवाशर में वॉशिंग के लिए हमें कोई स्पेशल डिटर्जेंट का यूज़ करना होता है? क्या हम अपना लोकल वाला सोप भी यूज़ कर सकते हैं, या ये चीज़ें हमें कहाँ से अवेलेबल होती है? तो मैं बात करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो डिशवाशर सेफ होना चाहिए और एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। बॉश एंड फिनिश, ये दो बड़े ब्रांड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप इनके डिशवाशर डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हैं। तीन चीज़ों का इसके अंदर इस्तेमाल होता है, सॉल्ट, रिंसेड और डिटर्जेंट। सॉल्ट और रिंसेड आपने एक ही बार फिल कर देना होता है, वो जब वो ख़त्म हो जाता है मशीन आपको इंडिकेट करती है, देन आपको दोबारा रिफिल करना पड़ता है। डिटर्जेंट आपको पर वॉश पर डालना पड़ेगा। मैं बात करूँ रिंसेड की, तो रिंसेड बेसिकली हमें चाहिए होता है शाइनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। देन हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट का आपको बॉटम पे एक चैम्बर मिल जाएगा, उसके अंदर आप 1 kg का सॉल्ट फिल कर सकते हैं, तो बेसिकली वो वाटर की हार्डनेस कम करेगा ताकि आपके जो ड्राइंग्स और वॉशिंग के रिजल्ट हैं और ज़्यादा बेटर हो जाएँ। डिटर्जेंट आपको हर बार डालना होता है, डोर के ऊपर आपको एक चैम्बर मिलेगा, उस चैम्बर में आपने पाउडर या आपका टैबलेट आप डाल सकते हैं, उसके थ्रू आप वॉशिंग कर सकते हैं। इन डिटर्जेंट की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो बॉश का डिटर्जेंट आप बॉश के कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फिनिश आपको सुपर मार्केट में या ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी इंस्टॉलेशन के टाइम पे? सबसे पहले आपको एक वाटर कनेक्शन टाइप चाहिए 1/2 इंची का,
सेकंड आपको 16 एम्पियर का पावर प्लग चाहिए मशीन को ऑन करने के लिए। थर्ड आपको एक ड्रेन होस चाहिए जिसमें आपका ड्रेन पाइप इजीली चला जाए। देन आपके बात करते हैं TDS लेवल की, तो अगर 850 से आपका कम है TDS लेवल, तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने TDS लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने डिशवॉशर में कर सकते हैं। देन लास्ट हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग की। तो ये फिल्टर आप देख रहे हैं अपनी स्किन पे, इसको आपने क्लीन करना होता है जब भी अपना वॉशिंग का साइकिल आप कंप्लीट कर ले, और हर 90 डेज के बाद आपने कंपनी के एग्जीक्यूटिव को रिक्वेस्ट करना है मशीन का टब क्लीन करने के लिए और मशीन को डीस्केल करने के लिए। ये दो चीज़ें अगर आप फ्रिक्वेंटली करते हैं तो आपका डिशवॉशर का लाइफ हमेशा मेंटेन रहता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिशवॉशर कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने का। थैंक यू सो मच।